और महोबा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्थर मंडी में धड़ल्ले से मौत का सामान बिक रहा है। 3000 का अमोनियम नाइट्रेट की बोरी 7000 रुपए में बिक रही है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद मौत का कारोबार किया जा रहा है। खाकी के शह पर चल रहा है मौत का बड़ा खेल। ये आपको बता दें, पत्थर मंडी कबरई का ये बड़ा मामला है, जहां पर पत्थर मंडी में धड़ल्ले से मौत का सामान बिक रहा है। 3000 के अमोनियम नाइट्रेट की बोरी 7000 में बेची जा रही है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी इसे बेचा जा रहा है और खाकी की शह पर यह मौत का बड़ा खेल चल रहा है। पत्थर मंडी कबराई का पूरा मामला है। और महोबा से हमारे सहयोगी दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। दिलीप, मौत का सामान महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, वो भी एक्सपायरी डेट के बावजूद, क्या है पूरा मामला? जी दुर्गेश, जैसे कि महोबा की जो पत्थर मंडी कबराई है, ये पत्थर जिले का एकमात्र उद्योग है और यही वजह है कि यहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं माफिया जो सक्रिय होते हैं उससे राजस्व का नुकसान तो होता ही है। कहीं ना कहीं ये विस्फोटक का जो अवैध कारोबार किया जा रहा है, इसके चलते कोई बड़ी घटना को खुलेआम निमंत्रण दिया जा रहा है और जिम्मेवारों के संरक्षण में बाकायदा जो सूत्र बताते हैं कि पुलिस के संरक्षण में और जिम्मेवारों के संरक्षण में विस्फोटक माफिया खुलेआम मौत का कारोबार कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो मध्य प्रदेश का एरिया है, पत्थर मंडी कबराई से करीब यूपी से ज्यादा 100 मीटर की दूरी पर विस्फोटक के लाइसेंस मैगजीन एमपी में बने हैं, वहां से अवैध रूप से यूपी में विस्फोटक लाया जा रहा है और कई विस्फोटक धारकों के मैगजीन के लाइसेंस भी दुर्घटनाओं के चलते रद्द कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। उसके बाद भी वो एक सिंडिकेट बनाकर, एक गिरोह बनाकर संगठित रूप से इस कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।